अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाकिस्तान फूड हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम बनाने जा रहे हैं एनर्जी शेक, जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ चार चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास बादाम होने चाहिए, साथ में खजूर होनी चाहिए, और इसमें साथ आपके पास अगर हो तो बनानास भी ऐड कर लें। मेरे पास चूंकि नहीं है तो मैं इसके अंदर एप्पल ऐड कर रहा हूँ, और साथ में हम मिल्क ऐड करेंगे, और हस्ब ज़रूरत जो है हम अपनी शुगर ऐड करने वाले हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से बनता है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है मैंने खजूरें ले ली हैं, और उसके बाद जो है मैंने एक एप्पल ले ली है। खजूरें जो हैं वो कोई तकरीबन मैंने 8 से 10 ली हैं, क्योंकि मैं 1/2 लीटर दूध जो है वो लेने वाला हूँ, और उसके लिए जो है 10 खजूरें जो हैं वो काफ़ी हैं। सेब को छील लेते हैं। माशाल्लाह से जी, सेब भी छील लिए हैं, और इसके अंदर बादाम धो के भी ऐड कर लिए हैं। कोई 15 से 20 बादाम जो हैं वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। इसके बाद जो है हम दूध लेते हैं। दूध जो है वो, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कोई 1/2 लीटर दूध जो है वो लेने वाला हूँ, तो इसके अंदर दूध भी ऐड कर लेते हैं। माशाल्लाह से जी, दूध भी अब हम ऐड कर चुके हैं। इसके बाद जो है हमारे ब्लेंडर में जाने वाले हैं बादाम और खजूर। उनको शुरू में डालने के पीछे वजह वाज़े है, और वो ये है कि बादाम जो का हार्ड होते हैं तो ये एप्पल के साथ नहीं ब्लेंड हो पाते। तो इसके बाद जो है हम अपने ब्लेंडर में एप्पल भी डाल देते हैं, और फिर हम जो है ब्लेंडर चला के कुछ देर तक इसको चलने देते हैं। माशाल्लाह से जी, हमारा जो शेक है वो अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि हमारा जो शेक है वो माशाल्लाह से किस कदर जो है वो थिक है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स पूरे पूरे डाले हैं। 1/2 लीटर के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं अब वो काफ़ी हैं। तो आप माशाल्लाह से आसानी से जो है वो आप देख सकते हैं, आप इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी पूरे डालें, और मिल्क भी अगर आपके पास अच्छा है, खालिस है, तो वो भी आप ऐड करें। तो माशाल्लाह से जी, अब जो है मैंने गार्निश भी कर लिए हैं अपने शेक को। उस पर जो है मैंने बादाम काट के डाल दिए हैं, और साथ ही में मैंने इस पर एक एक खजूर जो है वो भी ऐड कर लिया, ताकि दिखने में भी खूबसूरत नज़र आए, और साथ साथ अगर आप इसको पिए तो ये आपके लिए हेल्दी भी हो। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने कितनी खूबसूरती और नज़ाकत के साथ सबसे डिफरेंट वे में हमने अपना जो है वो पावर शेक बनाया, और अभी हम टेस्ट कराएंगे अपने छोटे भाई को, और वो करके बताएंगे कि हमने किस तरह से बनाया। ये हाँ जी, तो कैसा लगा जूस? बहुत अच्छा है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप सब लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।